हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आर चैनल। और भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको किस चीज़ में कैसे मज़ा आया भाई गेम प्ले बनाने में। तो यही भाई, मैं पूरा दिन सोचता रहता हूँ काम पर जाने के बावजूद भी, कि आपको मैं कैसा गेम का एंटरटेनमेंट करवाऊँ जिसको देख के मज़े आपको भी मज़ा आए और मुझे भी भाई अच्छा लगे। तो आज फिर लेके आया हूँ भाई एक और नई स्टोरी, क्या भाई एक अगला पार्ट ही समझ लो उसका ही। और यार मुझसे काफ़ी सारा कमेंट पूछ जा रहे हैं भाई, मैप का क्या नाम है। यार मैप का नाम भाई थोड़ा सा उल्टा है यार, मतलब कि कोई नाम नहीं बनता इस मैप का, पर उल्टा सा यार नाम है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैप का नाम बता दूंगा, मैप लिख के नेम बता दूंगा भाई उसका, देख लेना मैप का नेम और सर्च कर लेना। और ये मैंने खुद कस्टमाइजेशन की है भाई मैप की, ये पहले से नहीं है भाई, पहला भाई एकदम लेवल है सभी ज़मीन, ठीक है। और भाई ये जो मेरा, मैंने यार वहाँ से चेंज कर लिया, कुछ भाई मेरे बोल रहे थे कि आप घर बनाना नया, तो ये मैंने यार यहाँ पे घर लिया है, तो वो वहाँ पर मैंने रखा है भाई हवेली बोल सकते हैं आप, फार्म हाउस। तो वहाँ पर मेरे एनिमल्स वगैरह होंगे भाई, सीड मतलब कुछ भी घास घूस का सामान वहीं रहेगा। और ये मेरा गैरेज भी होगा और मेरा घर भी भाई किया भाई डबल मंजिल। तो अभी प्रॉब्लम ये है भाई, यहाँ पे पेड़ वगैरह देखो भाई घर से आर पार हो गए हैं, तो इसको भी काटेंगे भाई फ्री टाइम निकाल के और बारिश हो रही है दबा के। और उससे पहले बता दूं भाई, अपने दूसरे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आपका एक और मैंने कमेंट पढ़ा था, मैं यार किसी का भाई रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूँ, पर सभी के कमेंट मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। जैसे एक भाई ने बोला था भाई आप और लंबी वीडियो बनाओ, मतलब और लंबी वीडियो बनाओ, तो मेरा जो भाई सबसे लंबी वीडियो 43 मिनट की वीडियो बनाई थी लास्ट मैंने इसी मैप पे, वो भाई 12 GB की बनी थी यार, खुद अंदाज़ा लगाओ। तो मैं भाई 10 से ज़्यादा एक दिन में भाई बहुत मुश्किल से डाउनलोड कर सकता हूँ 10 GB। तो मेरा यहाँ पे इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा कम है यार तो उसी वजह से भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा 40, 43, 45 मिनट की भी बना सकता हूँ, उससे ज़्यादा भाई मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। या तो एक ही बनाऊँगा या पार्ट में बनाऊँगा, पर 12 GB से ज़्यादा मैं डाउनलोड नहीं कर सकता एक दिन में, क्योंकि इंटरनेट काफ़ी स्लो है यहाँ पे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यार कुछ खास करेंगे, और अपनी यार बारिश लगी थी कंबाइन में खेत से ला के यहाँ पर खड़ी कर दी भाई हिंद, ये बच गई है भाई, भीगी नहीं है, मैंने टाइम से निकाल ली। ट्रैक्टर अपने अंदर लगे हैं, देखो गैरेज में लगाए हैं, 855 धो धो के भाई सब कुछ सेट किया, गाड़ी ले ली एक नई, ट्रेलर कंबाइन का यहाँ। और मैं यार यहाँ पर घर सेट करने के बाद, आपको पता था पिछले खेत में हमने काटा था भाई राइस काटा था, यहाँ पर ये घर के पीछे खेत है भाई, अभी तो पानी भरा होगा मेरे ख्याल से, वो देखो पानी भरा है। तो यहाँ से मैंने भाई कंपाइन ले गया, एक मिनट दिखाऊँ यार अपना, तो बहुत बुरी हालत हुई है भाई कंपाइन की, जो फंस चुकी है यार, ये फिर लैग कर रही है बाहर ही निकलने, एक मिनट यार वो भाई फंसी अपनी प्रीत कंपाइन, एक मिनट यार आप बोलोगे भाई लैग कर रही है ये अभी। अच्छा तो मैं भाई इसके बावजूद भाई मतलब कि कंबाइन निकाली और सीधा भाई यहाँ घुस गया, यहाँ से गया कंबाइन लेके एक गेड़ा लगाया और भाई बारिश स्टार्ट हो गई बीच में, तो मैं कंबाइन भाई भगाई वहाँ से यार, एक गेड़ा लगाया था भाई, एक गेड़ा गया था भगा के लेके आया हूँ भाई, मतलब निकल गई थी बारिश हो रही थी भाई, पानी खेत में इतनी जल्दी भर गया, उसके बावजूद यहाँ तक खींच तीस के ला गया भाई, यहाँ पर फंस गई कंबाइन, अभी बिल्कुल ही नहीं भाई हिल रही है। तो बहुत बुरी हालत हुई है यार कंबाइन की, चल नहीं रही अभी, देखो भाई बिल्कुल फंस चुकी है कंबाइन, ना आगे ना पीछे भाई। तो कटरी भाई इसका नीचे लग गया, तो इसको आज निकालेंगे कोशिश करेंगे निकाल दें भाई बाहर। तो हिन तो मैं ले आया था भाई, ट्रैक्टर वगैरह भी लिया, ये मैंने यहाँ पर भाई पता नहीं लगा यार कब बारिश स्टार्ट हो गई यार, तो मैंने एक ही गेड़ा लगाया था। और भाई मौसम तो बारिश का था आपको मैंने पहले बताया था, तो एकदम से होगी बाहर बारिश भाई, और पाँच से मैं लेके आ रहा था भगाते भगाते भगाई यहाँ पे फंस गई यार कंपाइन, पता नहीं अब यहाँ पे ज़मीन ही ऐसी है। तो इसको निकाल लेते हैं पहले, तो भाई इसका कटर है जो निकालना पड़ेगा हमें, फिर एक हुक लगानी पड़ेगी इसके आगे, कटर के आगे तो हुक नहीं लगेगी, तो कटर को भाई खोल लेते हैं, कटर तो खुल जाएगा ईजिली, कटर तो खुल गया भाई, अभी इसको धक्का नहीं लगा सकता हूँ, ट्रैक्टर लेके आता हूँ भाई ट्रोजन डाल के, इसको धक्का लगा के साइड में करते हैं, फिर कंपाइन को बाहर खींचते हैं। तो एक मेरे दोस्त का ट्रैक्टर है भाई, वो भी फंस चुका है यार, एक मिनट मैं आपको दिखाऊं, तो उसको भी निकालना है भाई, अगर वीडियो तो भाई 40 मिनट से छोटी रही तो फिर तो उसको भी निकालेंगे, नहीं तो कर निकालेंगे, ठीक है। तो आपको मैं दिखा दूं, वो ट्रैक्टर भी फंसा हुआ है भाई, उसने बीट ऊपर तक लोड कर लिया, आइशर तो वैसे नहीं चलता है, तो आइशर भाई उसने नया लिया है, पता नहीं क्या किया है, शो वगैरह चेंज कर दिया, ये इसका ट्रैक्टर। तो मैसी आपको नहीं देखा था, वो इसका ट्रैक्टर नहीं था किसी और का था,
तो ये उसका मेन ट्रैक्टर था, इसने भाई जो ट्रैक्टर भेजा था इसकी शॉप बदलाने के लिए भेजा था, इसलिए उसने मैसी लगाया था किसी का। तो ये फंस चुका है भाई पूरे खेत में, देखो ट्रॉली लोड है और कंबाइन तो भाई निकल गई थी उसकी, कंबाइन भाई टाइम से निकाल के ले गया था वो, तो ट्रैक्टर भाई नहीं नहीं निकल पाया था उसका। तो इसको भी टोचन डाल के उसने कहा था भाई निकालवा देना मुझसे खेत में से। तो देखो भाई ये तो मतलब कि ट्रॉली हिलता ही नहीं भाई इससे, जो मर्जी कर लो भाई ये नहीं निकलेगा। तो भाई पहले तो हम अपनी कंबाइन को निकालें यार, इसको तो इसका तो भाई बूफर भी गीला हो गया ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर में जो लगा है म्यूजिक सिस्टम। तो भाई अपना सीजन आधे से भी ज़्यादा पड़ा है भाई, मतलब काटा ही नहीं कुछ भी यार इस बार तो वो लेट हो गए भाई। तो भाई अभी हम करते क्या हैं, अरे यार घर कहाँ आई है भाई, सामने घर, ट्रैक्टर लेके चलते हैं और देखना पड़ेगा क्या सिस्टम करें क्या नहीं करें। तो ट्रैक्टर अपने यहाँ पर है तो 855 ही लेके चलते हैं। तो मुझे लग रहा है भाई दो ट्रैक्टर भी डालने पड़ेंगे, ऐसा हालत लग रही है मुझे भाई। तो टोचन वहाँ पर ही बाई करेंगे भाई, अभी तो नहीं करेंगे यहाँ पर भाई। ये तो कटर है भाई, उसको हम खींच लें यार कैसे करें देखना पड़ेगा, उसको धक्का इस तरफ देते हैं ठीक है। लाइटिंग देखनी पड़ती है भाई, हर बार जो लाइटिंग बिगड़ जाती है ट्रैक्टर की। तो भाई ट्रैक्टर का ना फट जाए यार, कीचड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भाई, दब गया ट्रैक्टर, दब दब गया दब गया दब गया। ओ भाई फंस गया, ये क्या हो गया, नहीं बच गया बच गया भाई। कटर को धक्का लगा लेते हैं भाई, हिल नहीं रहा है ट्रैक्टर से, कटर भी इतना वेट है क्या भाई, 855 खाली फंस रहा है यार। भाई ये खुद फंस गया यार, ये तो क्या निकालेगा किसी को ना भाई, आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है ये। तो भाई अपना ट्रैक्टर भी जो फंस चुका है, ना आगे हो रहा है ना पीछे भाई, भाई बहुत दलदल है यहाँ पे यार, दलदल है भाई। ट्रैक्टर यार इतना बड़ा क्यों फंस सकता है भाई यहाँ पे, एक ही रीज़न होगा ना भाई, यहाँ पे जो ज़मीन है जो नरम पोली बोल सकते हैं, पोली बोलते हैं। तो इसको निकालते हैं भाई, न्यू होलैंड तो अगर ये भी फंस गया फिर भाई कंपाइन है हमारे पास, हिंद अगर वो भी फंस गया भाई फिर गाड़ी है हमारे पास, तो जब कुछ भी नहीं बचेगा भाई फिर देखेंगे कोई जुगाड़ करेंगे। तो न्यू होलैंड भाई ये नहीं हम लेके जाएंगे खेत में भाई, जी ज़मीन मैंने यार गलती कर दी भाई, मैंने तो सोचा था भाई कंपाइन भारी है जो उसी वजह से फंसी होगी, पर नहीं भाई अभी तो लग रहा है ज़मीन है जो सख्त है भाई वहाँ पर। तो अभी हम क्या करेंगे, कटर को भाई एक हुक लगा ही देते हैं यार। तो पहले तो भाई कटर को हम बाहर निकालते हैं, ट्रेलर पर नहीं लोड कर सकते यहाँ से हम, एक मिनट यार। और काफ़ी सारा प्यार मिला था पिछली वीडियो में आपका यार, ये कटर पे लगी है क्या हुक, कटर पे लगी है पर बीच में लगी है क्या, इसमें हुक नहीं लगती पता नहीं क्यों दोस्तों। चलो कोई नहीं हम देख लें एक बार, कंट्रोल नहीं भाई इसमें हुक नहीं लगी, मैं वो ही बात है ना, लग तो गई है पर अब हाँ भाई कटर में लग गई हुक, तो देखना पड़ेगा किस जगह है जो सही है। तो भाई इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और राइट साइड में भाई, और तरीके ये खुल गया, इससे आगे पीछे नहीं हो रहा कुछ भी। तो यार सही है भाई, खींच देगा भाई अपना 855 बंद कर लें, इसको भी निकालना पड़ेगा टोचन डाल के, मुझे लग रहा है सारा दिन भाई यहाँ पे निकलेगा अपना आज। यार एक मिनट इसके जो कलरफुल करने दो भाई, कलरफुल हो जाएंगे ना इसके ग्राफिक तो देखने में मज़ा आएगा। हाँ भाई तो अभी सही लग रहा है थोड़ा सा ग्राफिक के मामले में। चलो तो टोचन डाल के निकालते हैं, पहले तो कटर को निकालना पड़ेगा क्योंकि कटर के बावजूद जो कंबाइन के नीचे हुक लगी है, अगर भाई चाहते तो हम कटर भी डाल सकते थे कटर के आगे, बार भाई कटर है जो इसके आगे हुक लगी है भाई, इसकी रील टूट सकती है, कंबाइन को भी खींचना है ना तो रील टूट सकती थी, उसी वजह से भाई हम कंबाइन का जो भी मेन जो सबसे पावरफुल हिस्सा होगा भाई वहाँ पर टोचन डालेंगे इसका।
अभी पता नहीं भाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मुझे लग रहा है बारिश थमने के बाद ही निकलेगा ये भाई, कीचड़ वगैरह कम होगा फिर। लगा ही नहीं यार भाई, ये भी कभी कभी लगा। थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, ट्रैक्टर को कर लेते हैं जहाँ तक भाई चला जाइए, बस इससे पीछे नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो भाई वो ही हालत हो जाएगी 855 वाली अपनी। लग जा भाई, एक तो मैंने यार सबसे तेरे की कहाँ बैठ गया, सबसे बड़ी गलती की है भाई इसका ऑटोमेटिक मैनुअल वाला मोड हटा दिया भाई। लग गया भाई, कटर तो लेके चलें बाहर। ओ भाई इस तरफ लग जाएगा कटर, तो हम कटर को यार भाई टूट सकता है, यहाँ पे मिट्टी है भाई, अब नुकसान तो होना ही है भाई। अरे यार ये तो हिल ही नहीं रहा है भाई ट्रैक्टर है भाई, कटर कैसा है यार ये। चल चल भाई चल, कोई नहीं भाई नुकसान होना ही है भाई, अभी इसको यहाँ पे लगा देते हैं भाई, अभी तो को गाड़ी वाला भी नहीं आ रहा है आज। सही है भाई, यहाँ पर लगा लेते हैं, बाद में यहाँ से अटैच भी हो जाएगा अपने कंपाइन के साथ। तो मैं यार यहाँ से जो भाई टोचन को तो मैं भाई सेल कर देता हूँ, क्योंकि टोचन अटैच नहीं होता, एक बार अगर लगा लिया आपने तो किराए पे ही लिया था भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अपना हुक हटा लें भाई कटर के आगे जो लगी है भाई, तो सही है भाई, रास्ता भी बन गया अपना थोड़ा सा, हट गया भाई और कहीं तो नहीं। नहीं चलो भाई, अभी ट्रैक्टर भी थोड़ा सा ध्यान के से निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालें यार, बस भाई खेत में ना जाए ट्रैक्टर के टायर, देख लो भाई कितनी दलदल है। तो अभी क्या करते हैं, 855 को निकाल लेते हैं बाहर, फिर कंपाइन की बारी, क्योंकि 855 को निकालना सही रहेगा सबसे पहले, क्योंकि अगर ट्रैक्टर फिर भी नहीं निकले, कंपाइन अगर पहले निकालेंगे नहीं निकली, तो ट्रैक्टर तो भाई हमारे पास है ही है। अभी हाँ ये रही, तो यार हुक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार, मैं अभी क्या करूँ भाई, एक मिनट मैं यार देख लूँ अपना जो रिकॉर्डिंग है एकदम प्रॉपर चल रही है ना। हाँ भाई सब कुछ ओके, 12 मिनट की रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है अपनी। तो गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है यार, उसी वजह से तो थोड़ी सी भाई आपको साउंड भारी भारी दिख रही होगी, सुन रही होगी। तो भाई काफ़ी अच्छे कमेंट करते हो आप यार, थैंक यू जो भी कमेंट करता है, अच्छे अच्छे भाई। और कुछ बोल रहे हैं भाई आपका मैं फ़ैन हूँ, भाई फ़ैन वाली बात नहीं है यार, भाई लोगों आप सभी मेरे यार फ़ैन नहीं भाई मैं, कोई इतना हिम्मत किया करो भाई, मैं फ़ैन फ़ैन कोई फ़ैन नहीं भाई, नॉर्मल मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह यार, कोई ये वो नहीं है भाई रिलेटिव क्या बोलते हैं उसको, एक्टर नहीं है यार कोई, फ़ैन की क्या बात है यार भाई, आप मेरे भाई लोगों। चलो भाई इसको अटैच कर लें, थोड़ा सा हम ज़्यादा ही आगे कर लिया ये, अरे यार पे जा यार भाई पड़ जा यार, इसके टायर तो सीधे करें इसको भाई, यहाँ से सीधा लेना पड़ेगा ट्रैक्टर को मेरे ख्याल से मैंने ओ भाई बच गया भाई मैं तो, अरे यार हो नहीं रहा कुछ भी इससे अटैच भाई, चेन तो मैंने प्रॉपर लगाई है यार। यार हुक लगा लेते हैं भाई, इसके नीचे हुक तो है पर जो काम ही नहीं कर रही है यार, अभी हुक आई है क्या, नहीं भाई अभी तक नहीं आई है, ये लग गई भाई इसकी हुक की बहुत ऊपर आई है, तो हम बम्पर के आगे लगा लेते हैं थोड़ी सी, तो ये आफ्टर मार्केट बाई करनी पड़ती है भाई हुक, अभी देखते हैं लगता है कि नहीं। 855 को तो भाई सोच रहा है कोई टोच नहीं ना डाले, एक बार फिर एक्स दबाया अब लग गया। ओ भाई पीछे से उठ गया, अच्छा भाई मैंने ट्रैक्टर नहीं स्टार्ट किया क्या यार भाई स्टार्ट ही नहीं किया था, वो जोर ही लगा रहा है कि ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड ही भाई खींच रहा था, अभी रुक जाओ दोनों का जोर लगाते हैं 1 2 3 निकल गए भाई, निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए। अभी अभी एक काम करते हैं, मुझे नहीं लग रहा भाई दोनों सेट जो निकलेगी कंपाइन, तो हम ऐसा करते हैं भाई सबसे पीछे डालते हैं न्यू हॉलैंड कंपाइन, भाई अपनी किस तरफ घूम गई यार,
ये कैसे घूम गई भाई? अच्छा भाई पानी की वजह से तो भाई अभी तो और भी मुश्किल हो चुका है यार अपना, में जो भी मुश्किल घड़ी। इसको ज़्यादा पीछे नहीं करेंगे भाई, यहाँ पर सही है। 855 के आगे से हुक हटा लेते हैं यार, क्योंकि अभी 855 के तो अभी यार थोड़ा सा अपना गड़बड़ा है भाई। किस तरफ से निकालेंगे कंपाइन को, एक मिनट मुझे देखने दो रास्ता भाई। इस तरफ को निकालते हैं ना, इस तरफ को सही है। अगर इस तरफ निकालेंगे तो भाई मोड़नी पड़ेगी कंपाइन, और अपनी मुड़ेगी तो नहीं कंपाइन फिर। और कंपाइन के आगे हुक लगा लें यार, एक इसके आगे लगा लेते हैं रील। तो नीचे आइए भाई, हम थोड़ा सा ऊपर कर लें भाई, इसके हिस्से के साथ लग जाए ताकि ये फिर खुल गया यार। ये खुल क्यों रहा है भाई, इसके साथ ही खुल रहा है ये सही है भाई। अभी तो अभी ट्रैक्टर के पीछे तो हुक है ही है, एक टॉर्च नहीं यहाँ पे। चलो भाई दो टॉर्चन की जरूरत है हमें, कोई नहीं हम दो भाई किराए पे ले लेंगे टॉर्चन, क्योंकि टॉर्चन से महंगी तो भाई अपनी कंपाइन है यार। अगर तो कंपाइन भाई अभी इस सीज़न में नहीं चल पाएगी, इसको जब तक सुखा नहीं पाएंगे हम भाई। अरे यार लग गया भाई, ओ ट्रैक्टर पीछे आ गया भाई। पहले हम देखें यार इससे खींच के निकलती है कि नहीं। नहीं भाई नहीं निकल रही है, कंपाइन के टायर ही भाई उल्टी साइड है। तो भाई कंपाइन को हमें रोक रोक के निकालना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं निकलेगी एक बार में, क्योंकि इसके टायर भी मोड़ने पड़ेंगे। भाई इसके पीछे हुक नहीं है, लगानी पड़ेगी भाई। इसके हुक आगे भी नहीं है भाई, हुक तो है भाई पर गड़बड़ कर जाती है हुक भाई, बहुत पीछे लगती है। अभी पता नहीं मोड़ में प्रॉब्लम है, यहाँ पे लगाते हैं यार। एक तो भाई ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, ऊपर आ जाता है यार। हुक तो लग गई, अभी एक और टोचिंग की जरूरत पड़ेगी भाई यार। डबल डबल ट्रैक्टर लगे हैं दोनों की हॉर्स पावर। तो मुझसे ये भी पूछा जा रहा था कि न्यू हॉलैंड पावरफुल है कि 3630। भाई इसका मुकाबला करने के बावजूद ही पता लगेगा कि दोनों में से कौन सा पावरफुल ट्रैक्टर है, और सेम पावर के ट्रैक्टर हैं मैंने बनाए हैं। और अभी पता तो तब लगेगा भाई जब टोचन मुकाबला करेंगे, कोई और मुकाबला करेंगे फिर पता करेंगे। तो फ्री टाइम करेंगे भाई, अभी तो सीजन है अपना, जो भी ये भाई मौज मस्ती वाले काम हम बाद में करेंगे फ्री टाइम में। और भाई न्यू हॉलैंड भी तब से स्टार्ट ही है यार, इस मिनट भाई लग जा। तो लो भाई दोनों के ने डाल दिए, अभी मुझे लग रहा है न्यू हॉलैंड के थोड़े से टायर को घुमाना पड़ेगा यहाँ से थोड़े से भाई, सही है यहाँ से। तो लो भाई भाई खींच दिया, एक मिनट यार मैंने स्क्रीन शॉट नहीं लिया भाई, फिर फोटो का जब भाई मज़ा नहीं आएगा। लो भाई यहाँ पर जगह ही नहीं भाई, स्क्रीन शॉट कहाँ से खींचे यार, जगह अच्छी नहीं भाई। तो ये स्क्रीन शॉट भाई लगाने पड़ते हैं यार, चलो कोई नहीं अभी फ़िलहाल सही है। तो लो भाई कंपाइन को सीधा करना था, हमने कर दिया थोड़ा सा भाई, कंबाइन के टायर ही जाम हो चुके हैं। ओ भाई फंस गया, आठ सौ पचपन की तो भाई मैं रेस बांध के उतर जाता हूँ, ये बांधी रेस। अब 855 है जो खुद ही जोर गएगा इसके टायर घुमाने का। अभी मैं देखूँ तो सही, न्यू हॉलैंड को क्या बीमारी है, इसके टायर सीधे कर लें यहाँ पर सही है, क्योंकि भाई टायर ड्राइवर ही है ना। चल भाई न्यू हॉलैंड लगा दो, और चल चल बीच वाला ट्रैक्टर इसलिए चूड़ा है भाई, अगर आगे वाली चीज़ में ना भागे पिछली वाली चीज़ में ना भागे। भाई निकल गई कंपाइन, निकल गई वैसे खड्डे से। ओ तेरे की भाई इसके टायर घुमाए ना मैं, रुको भाई, ओ पेड़ के साथ लग गई यार, पेड़ के साथ लग गई, घुमा लें थोड़ी से टायर 850। ओ भाई ये तो ये भी इसको स्टार्ट करने का क्या फ़ायदा भाई, चलो स्टार्ट कर दिए। अभी कंपाइन तो चल रही है पर भाई उसके भाई उसके टायर ही नहीं चल रहे हैं। वो निकल गई भाई, निकल गई तो भाई अभी निकल गई है वो, उसने भी अभी जोर लगाया। और 855 को बंद करें भाई, चल भाई अभी ऐसा करते हैं भाई, ये दोनों लेके चलते हैं मेरे दोस्त के खेत में, पर पहले हम कंपाइन का कर लें कुछ यार। ये तो मेरे दोस्त के उधर जाएंगे भाई, हम अभी ट्रैक्टर को आगे कर लें थोड़ा सा, और कटर डाल के चलते हैं घर में। जो कंपाइन तो अपनी निकल चुकी है भाई बहुत मुश्किल से खेत में, तो अभी जाना पड़ेगा मेरे दोस्त के वहाँ पर भी भाई, वहाँ पर भी तो न्यू हॉलैंड लेके चलते हैं यार वहाँ पे।
क्योंकि भाई कुछ ये भी कमेंट में लिखा था कि आप 855 की तारीफ ही करते हो न्यूहलैंड की बेइज्जती। तो दोनों की पावर सेम है, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं भाई, हम टेस्ट करेंगे और सामने आपके ना, इसमें कोई चीटिंग नहीं भाई, जो खींचेगा वो विनर होगा, टोचर मुकाबला भी कराएंगे। तो फिर मत बोलना भाई पावर के मामले में कम है। कटर डल गया भाई, मशीन निकल गई एकदम, ज़्यादा तो मिट्टी से पूरे टायर भाई इसके गंदे हो गए हैं। तो अभी तो कोई फ़ायदा नहीं भाई, सभी कंबाइन का थ्रेशर वगैरह में पानी चला गया है, टंकी में ज़्यादातर भाई पानी चला गया है। तो अभी इसको बाहर ही रखेंगे यार कमरे में लाने की, धो धो के भाई इसको करेंगे सही। अभी ऐसे करता हूँ भाई, इसको गेट से निकल जाएगी ना, घर के सामने ही खड़ा करता हूँ भाई, घर के सामने खड़ा करने का भाई और ही मज़ा है यार कसम से। प्रीत कंबाइन भाई देखो, घर से देखोगे ना यार क्या कमाल की, भाई देखो ऊपर से दिखाऊं भाई, कसम से भाई घर के बाहर चीज़ लगी हो ना सामने भाई, आंगन में भाई ये रहो, कुछ और ही भाई बात बनती है। चलो कुछ कुछ को नहीं पसंद भाई, तो उसको गैरेज में लगाएंगे, गैरेज में लगाने का भी फ़ायदा नहीं भाई, पूरी गंदी हुई है, पानी से भीगी है कंबाइन, तो बारिश से और भी इसको धुल लेते हैं भाई। चलो निकल तो गई ना भाई, तो अभी चलते हैं भाई, मेरी सिर खपाई सबसे बड़ी मेरे दोस्त के वहाँ पर। 855 को यहाँ पर ही छोड़ देते हैं भाई, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी भाई ले जाएंगे यार, ऐसे करते हैं घर में लेके चलते हैं यार, क्यों कोई भाई चाबी के बिना भी चल पड़ता है 855 भाई। स्टार्टर के भाई चाबी पाना लगा भाई स्टार्ट हो जाएगा, ले भी जाएगा कोई भाई, नया नया ट्रैक्टर है भाई अपना, घर में सेफ रहेगा। क्यों भाई 7 लाख रुपया लाया हूँ, अभी नुकसान होगा। तो इसको भी भाई बाहर ही छोड़ते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, गंदा हुआ है, बूफर पर तो बच जाएगा क्योंकि छतरी लगी है इसकी। प्रीत आ गई भाई, बेइज्जती करा भाग के, प्रीत तूने क्या किया यार। चल भाई, वो भाई ट्रैक्टर के आर पार निकल रहे हो, ये इन लोगों को भाई बारिश में भी चैन नहीं है, देखो भाई कैसे भाग रहे हैं, मेले में आए जैसे। तो चला ही है भाई कोई ना कोई, चला ही है दुक्की तिक्की भाई, देखो चला ही है कोई आदमी ना, तो भाई इनके पास छाता है ना, इन्होंने रेन कोट डाला है, इनको बारिश का कोई असर ही नहीं। अरे यार इस तरफ जा रहा हूँ भाई फिर से भूल के, इस बार नहीं जाएंगे भाई। तो चलो भाई मेरे दोस्त का भी जो भी है भाई, उसको ट्रैक्टर को निकालें। आयशर तो भाई वैसे क्या बोलूँ अभी, तो कल जो हमने मैसी लाया था भाई वो उसका मैसी नहीं था, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो अभी भाई बोलेंगे कि मैसी था उसके पास, अब आयशर, तो स्टोरी ऐसे है भाई मैसी नहीं था उसके पास, उसने ट्रैक्टर जो भाई आयशर जो भेजा था सर्विस के लिए, तो सर्विस के लिए थे भेजा था, और फसल काटनी थी उसने अपने किसी दोस्त का, जो ट्रैक्टर लेके खेत में गया था और फसल काट रहा था। तो आज जो मतलब कि कंपनी, तो वो ले गया था भाई बारिश से पहले ही ट्रैक्टर लेके भाई, उसका छोड़ के अपना ट्रैक्टर की शो वगैरह चेंज करवा के ऐसे भाई मॉडिफाई करवा के उसने लेके आया, ठीक है ना। तो न्यू हॉलैंड भी भाई मिट्टी मिट्टी हो गया भाई अपना बारिश में, तो भाई एक प्रॉब्लम, तो ट्रैक्टर तो स्लिप तो कर रहा है भाई, ऊपर से स्कीट भी कर रहा है भाई, ये देखो इतनी भाई ट्रैक्टर की गुड्डी है, देखो मॉडिफाइड भाई ट्रैक्टर का यही प्रॉब्लम है भाई, ग्रिप नहीं बनता अच्छे से, टायर जो कंपनी वाले देते हैं ना भाई भाई सही है, अभी रोड पे ना करे भाई स्कीट, दिक्कत चलाने भाई क्योंकि काम हो रहा है अपना। आ गए भाई खेत में, और हम इसको भाई नहीं देखे जाएंगे सीधा खेत में, हम देखेंगे भाई कोई जगह हरियाली वाली ये रही, यहाँ से लेके जाएंगे, और ट्रैक्टर को भी हम कोशिश करेंगे भाई बीच में से ना निकालें, साइड से निकालें। हाँ भाई सही है, अभी तो एक टायर भाई फंस जाए ट्रैक्टर का तो कोई बात नहीं, दूसरा तो चलना चाहिए भाई, ये फंस गया भाई, एक टायर फंस गया कोई बात नहीं भाई, दूसरा तो चलना चाहिए। यहाँ पर भी पानी भाई भर भर के भरा है यार, देखो पानी ये जो खेत में रुक गया भाई, यहाँ पर तो बहुत सारा चिक्कड़ है भाई, कीचड़ बहुत सारा चिक्कड़ भाई पंजाबी में कीचड़ है भाई, तो इसी वजह से ट्रैक्टर भाई पीछे से तो आ गया, यहाँ पर फंस गया वो उसका आयशर। ओ ओ ओ रुको भाई, भाई मेरे तो ट्रैक्टर पे कोई कंट्रोल ही नहीं है यार, इसके आगे हुक भी लगी है पहले से भाई, इसको हटाएं यार, बेहद ही लग रही है भाई ट्रैक्टर के आगे।
ये तो भाई बम्पर लगाया थोड़ा बहुत वेट हुआ ट्रैक्टर का, नहीं तो भाई न्यू हॉलैंड तो पानी में तैरने लग जाएगा भाई। भाई बहुत बुरा हाल है यार खेत में, बहुत बुरा। इतना तो भाई मेरे खेत में नहीं था कंपाइन ने घास वक्त, यहाँ पर तो भाई ट्रैक्टर क्या भाई, यहाँ पर आदमी पैर रखेगा वो भी बीच में धस जाएगा। इसलिए कहता था भाई सारा दिन भाई खेत में लगा रहता है मेरा दोस्त, बोलता है भाई जितनी ज़मीन नरम करोगे उतनी अच्छी फसल होगी। हो गई अच्छी असली भाई, अच्छी फसल होगी करके भाई फंसा के ट्रैक्टर। तो इसको तो मोड़े यार आइसर को, माल भी भाई देखो कैसे भरा है, जैसे पता नहीं 855 डाला आगे। भाई ये तो हिलता भी नहीं है यार, तो इसको भाई स्टार्ट कर लें पहले, एक घंटा तो स्टार्ट होने में लग जाएगा पहले इसको। हो गया भाई स्टार्ट, तो अभी तो इसका हम धीरे धीरे निकालेंगे भाई, इसका कोई हिस्सा ना भाई बीच से लग हो जाए ट्रैक्टर का। ये हो क्या रहा है भाई, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है ये, बारिश की वजह से भाई इसके अंदर पानी कहाँ चला गया। हो गया भाई अभी हुआ भाई, अभी देखो पूरी पूरी भाई हमारे कंट्री में साउंड आएगा अभी इसका। हो गया स्टार्ट, आइशर के आगे जो भाई मेरे ख्याल से तो हुक लगी होगी, लग गया भाई लग गया लग गया। तो लो भाई हाँ, अरे तेरी आइशर का जोर नहीं रहा, चल 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 भाई चलो, नहीं निकला हो नहीं निकला नहीं निकला हो दोस्तों नहीं निकला। एक मिनट यार ये कीचड़ उठ रहा है, स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं आया अपना भाई। तो भाई न्यू हॉलैंड से भी मुझे लग ही रहा था भाई दो ट्रैक्टर ट्रोजन डालते हैं, चलो कोई नहीं। अभी उसका टायर मेरे ख्याल से भाई चल चल आइशर की मैं रेस को बांध देता हूँ, सोफे ही बांध देता हूँ भाई, ये लगा दिया जिंदा, अभी ये जोर लगाता ही रहेगा। फिर बैठ गया मैं उसी पे, अभी बंद कर दिया मैंने। भाई कुछ भी नहीं कर रहा आइशर अपना न्यू हॉलैंड, ये बांधी रेस की 50 पे रेस बांध देते हैं इसकी ऐशर से मत्था मारते हैं। मुश्किल है भाई, भाई साहब सभी कीचड़ा भाई ट्रॉली में अंदर लड़ रहा है, और भाई इसका माल सभी गीला हो गया यार, धूप लगानी पड़ी। एक मिनट यार ऐसे नहीं बात बनेगी भाई, 855 लाना ही पड़ेगा 800। इसको तो नहीं बंद करेंगे आइशर को भाई, बंद करेंगे तो फिर भाई एक घंटा वेट करना पड़ेगा इसकी स्टार्टिंग का। यार भाई वैसे भी हम सीजन तो लगा नहीं सकते हैं बारिश में, यही काम कर लें यार और क्या था। एक तो मदद भी हो जाएगी मेरे दोस्त की, क्योंकि काफ़ी सारा भाई उसने मेरी भी मदद करवाई है, तो मेरे लिए तो भाई मतलब भगवान ही है मेरे दोस्त। काफ़ी ज़्यादा भाई मेहनत की है, हर चीज़ को मना नहीं करता, चाहो भाई अभी कंपाइन लेके आ जाओ, चाहे मेरे पास दो खड़ी हैं वो उसकी भी भाई यहाँ पर खड़ी कर दो, कभी नहीं बोलेगा। पर भाई हमें ज़रूरत नहीं है यार, क्यों। तो यार एक रास्ता यहाँ से भी है, शॉर्टकट चलें यार। तो आपको मैं अपना फार्म हाउस भी दिखाऊंगा भाई, उसमें भी चेंज कर। और तेरे की भाई शुगर है टाइम से निकलवा दी कंपाइन, और तेरे की पानी भाई देखो कितना सारा बना है भाई, घुटने से नीचे पानी है भाई, घुटने से नीचे घुटने घुटने तक भाई, सॉरी। चल ये लोग अभी भी चैन नहीं है भाई, बारिश में भी घूम जा रहे हैं। तो भाई अभी तक मुझे पागल ही हो चुका हूँ भाई, फसल देख के अभी कितनी बची, और लोगों की फसल में है जो भाई घास भी उगना स्टार्ट हो चुका है। फसल का मुझे लग रहा है भाई सीजन नहीं लगेगा पूरा, कंपाइन का ड्राइवर नहीं मिल रहा है हमें, प्री कंपाइन का कोई ड्राइवर मिल जाए भाई तो ड्राइवर। ओ भाई रुको तेरी की, रास्ते ही भूल गया हूँ यार मैं, सीधा ही चला था भाई, सीधा जाता तो भाई ये पक्का फंसता है, सभी खेत अभी गीले हैं भाई बारिश की वजह से। तो एक मिनट यार मैं वीडियो देखूँ कितनी बड़ी हुई अपनी, तो 30 मिनट की जो 29 ये हुआ क्या है, 2 मिनट। अच्छा भाई मेरे से कोई बटन दब गया था, मुझे चेकिंग करनी पड़ती है भाई, मैंने OBS सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ भाई, इसका कोई भरोसा नहीं कब बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। अगर आप वीडियो बनाते हो तो प्लीज़ देख लिया करो, साउंड रिकॉर्ड हो रही है। मैं तो भाई 3-4 बार जो वीडियो बनाई थी, सच बताऊँ तो भाई
ना तो मेरा फेस कैम आया था, ना मेरी साउंड गई थी भाई, पूरी वीडियो 1 घंटे की ख़राब, फिर से बनानी पड़ी। फिर से बनाऊंगा भाई, वो मज़ा ही नहीं आएगा वीडियो में, इसलिए भाई चेक कर लिया करो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलता भाई कुछ भी। अब देखो मैं चेक कर रहा हूँ बार बार, वीडियो चल रही है मेरी, फ़ोटो चल रही है, सही है भाई, टाइम बर्बाद नहीं होगा आपका, क्योंकि भाई अपनी सभी मेहनत पर पानी फिर जाएगा ना इसे। अभी पीछे मैंने नहीं देखी थी भाई, 855 वाली रिव्यू वाला करवाया था तो नहीं देखी थी वीडियो, सॉरी मेरी जो फेस कैम की वीडियो भाई 2-3 मिनट चली थी, उसके बाद बंद बंद नहीं होती भाई, कैमरा ख़राब है ये, पता नहीं क्यों, सस्ता है भाई कैमरा ये तो, ये 720p है भाई, मेगा पिक्सल भी हो सकता है, मेगा पिक्सल नहीं भाई, क्वालिटी भाई 720 है इसकी। अगर इसकी फ़ोटो है भाई छोटी रखोगे तो काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आएगी, अगर 1080p करोगे भाई स्क्रीन साइज तो फ़ोटो फट जाएगी भाई। मैंने पहले कहा था भाई 855 का गेड़ा बहुत ज़्यादा है भाई, देखो वो ओ तेरी ओ भाई, भीड़े के चक्कर में भाई अपना सत्यानाशन हो जाए ट्रैक्टर का, क्योंकि भाई आगे ये फंस गया तो फिर से पीछे से वो कैसे निकालेंगे, आगे अगर ये फंस जाए, इसको आगे कर लेते हैं। तो भाई इतनी बड़ी कंपाइन निकाल दी थी भाई, ये ट्रॉली नहीं निकल रही है यार, अपने से 3 ट्रैक्टर डाले हैं भाई, आइशर तो चलो ऐसे ही है भाई, खिलौना ही है, चलो वो तो पीछे लगाया समझ लो, आइशर को लोग बुरा बोलते हैं, मैं भी बुरा ही बोल रहा हूँ यार, पर आइशर भाई अपने हिसाब से अब एक सिलेंडर है यार, अब बुरा नहीं बोलना चाहिए मुझे भी यार, एक सिलेंडर है भाई ट्रैक्टर आइशर, तो अभी 855 3 सिलेंडर भाई, तो वो भाई उतनी पावर लगाएगा ना जितनी इसमें है यार, अब एक्स्ट्रा कहाँ से लगाएगा यार, ये टोचन ही नहीं पड़ रहा है भाई, कभी कभी ढलता है कभी कभी नहीं ढलता यार, पता नहीं ट्रैक्टर में तो नहीं कोई खराबी, तो ये तो अच्छा किया भाई, मैं जो सेंटर में लेके नहीं आया भाई, लग गया भाई, दबा दिया एक्स, अभी ट्रैक्टर में चल चल लग गया भाई, अब ये लग जाएगा न्यूजीलैंड में, अब ये देखो भाई यहाँ पे लगता है टोचन, पर यहाँ पर जगह ही नहीं है कोई, लो भाई न्यूजीलैंड स्टार्ट कर दिया, आयुषर यार किसने बंद कर दिया यार, ओ भाई रुको ए और रुक जा भरावा, स्टार्ट तो होने दे उन्हें भाई, न्यूजीलैंड को तो बहुत जल्दी लगी है यार, आदमी भाई कहीं कहाँ से जाके आ जाता है, स्टार्ट अभी होएगा, चलो 1 2 3 तो आयशर स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं आयशर को भी लगाना पड़ेगा जोर, तो हम 855 की रोज रेस बांध देते हैं 50 पे, ठीक है 855 की रेस बांध दी है हमने, अभी बैठते हैं न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के साथ लगते हैं आयशर, ये भाई अभी फ़ोटो काफ़ी ज़बरदस्त आई, ये उठ गया भाई न्यूजीलैंड अपना, ओ भाई दस गया, न्यूजीलैंड गया भाई, ओ तेरी ओ उसका भाई अगला टायर ही उठ गया यार, भाई बहुत बुरा खड्डा पड़ा है यहाँ पे तो यार, ओ तेरी भाई 855 का गेड़ा ही बन रहा है भाई, न्यूजीलैंड ने मिट्टी उठा उठा के उसके आइसर का सत्यानाश कर दिया भाई, देखो अभी बना गेड़ा, अभी बना गेड़ा, अभी चल 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 अभी चल 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 ले चल भाई ऐसे नहीं खेत कर, हाँ सही चल रहा है 855 ले जा भाई ले जा, अभी रोकना पड़ेगा, ओ रुक ओ भाई ब्रेक लगाई है फिर भी खींच, ओ भाई पीछे आ जा यार पीछे आ जा, ओ भाई रोक इसको तो निकल गया भाई खत्ते से बाहर, खेत से बाहर हो निकल चुका है, अभी इसकी जरूरत ही नहीं हमें भाई, 2 ट्रैक्टर के बिना निकलता ही नहीं ट्रैक्टर कोई, ना कंपाइन निकलती है, अभी निकल जाएगा भाई आयशर, अभी तो वो खेत से बाहर ही है, अरे यार भाई कहाँ फंसा दिया, तो इसको आयशर को हम लगा देते हैं भाई मंडी के साइड में, बोले जाएगा भाई क्योंकि अभी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे यार इसको, आयशर को दम तो है भाई आयशर में पर लगाता कम है, आगे से उठने वाला है, ओ तेरी की 855 अटक गया, ओ भाई रुको ए भाई जान लेने पे चल जाता है 855, अभी इनको भी लेके जाना पड़ेगा यार, दो दो बार देखूंगा, अगर हेल्पर लग जाए तो अच्छी बात है भाई,
एक बार गेम ख़राब होने का डर है ना। लो लगा दी अभी, फट फट करके भाई चल रहा है। अब यहाँ से तो निकल जाएगा ना यार भाई, पावर काफ़ी अच्छी है। यही ट्रॉली न्यू हॉलैंड के पीछे डाली थी भाई, ट्रैक्टर मर रहा था भाई, न्यू हॉलैंड और 855 मर रहे थे दोनों, तो ये तो भाई आराम से खींच रहा है यार। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, ले जाएगा भाई अभी, बस अपना काम हो गया भाई। निकालना था हमने एकदम निकाल के भाई, प्रॉपर जगह पे भी लगा दिया, गेट भी कर देते हैं बंद, अपने ट्रैक्टर लेके चलते हैं घर में। अभी तो कोई काम नहीं है भाई अपना, तो अभी मैं एक काम करने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर गेम ख़राब होती है तो फिर मैं गेम स्टार्ट नहीं करूँगा। मैं लगा रहा हूँ भाई अभी मल्टी प्लेयर नहीं भाई, हेल्पर लगा रहा हूँ। अगर भाई कई बार क्या होता है भाई, हेल्पर की वजह से गेम ख़राब हो जाती है, अगर ख़राब होगी भाई मैं काट दूँगा, अगर तो सही रही तो भाई फिर, क्योंकि आगे अभी आगे कुछ है भी नहीं वैसे खास वीडियो का, तो ये मैं लगा रहा हूँ हेल्पर कंट्रोल एफ। तो हेल्पर तो लग गया भाई, सही है भाई, प्रॉपर काम कर रहा है हेल्पर। तो जिस दिन भी भाई, जब भी मैं हेल्पर लगाऊंगा तो ये गेम जो ख़राब होगी तो समझ लेना कि भाई मेरी गेम का हेल्पर है जो ख़राब हो जाता है। आ जा भाई, अब कुड़िए आ जा, चल भाई मैं तो 100 की स्पीड में लेके जाऊंगा, देखते हैं भाई ये होलर पकड़ पाता है कि नहीं। रोड चलें भाई, रोड भाई नहीं भाई, भाई रोड नहीं चलेंगे भाई, तेल का। ओ ओ ओ भाई रुको, ओ ना ही ओ परावा, ओ भाई फंस गया, वो फंस गया भाई, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ परावा भाई। गलती बहुत बड़ी कर दी यार, गलती कर दी। ये तो निकल जाएगा, उससे पहले भाई मुझे हेल्पर को हटाना पड़ेगा ये, नहीं तो भाई ये भी वहां पर घुसा देगा। 855 तो निकल जाएगा भाई, निकल रहा है धीरे धीरे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रैक्टर तो अपने पास है ही भाई, बड़े बड़े भाई जोटे ट्रैक्टर रखे हैं, जोटा फिर भाई ऐसे कर रहे हैं हम उसके टायर। ओ अगले टायर में डालते हैं भाई अगला टायर और रगड़ देते हैं पीछे ये। अरे यार इसका टायर ही कहाँ तरफ है, ये अभी बनी ना बात। 855 का भी जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पीछे निकल गया भाई, निकल गया। अभी ऐसे करते हैं मेन रोड ही चलते हैं भाई, यार क्यों ऐसी मुसीबत फिर से मोल लेनी है भाई, क्योंकि खेत सारे बहुत सारे हैं साइड में। निकल तो गया 855 कैसे भाई, हर खेत में यार बारिश 2 दिन से लगी है भाई, उसी वजह से पानी भी इतना मतलब कि चला गया, खेत दलदल बन चुका है पूरा खेत, हर खेत भी ट्रैक्टर खाली भाई करता है पानी में। कंट्रोल एफ, हाँ सही है। चल भाई इस बार आदमी आया, अब देख भाई कैसे खींचता हूँ ट्रैक्टर को मैं, अभी तो रोड है ना भाई। वो यार मोड़ काट रहा था भाई उसका, मतलब कि मोड़ कटाई नहीं मेरे से, भाई खेत में घुस गया। अब ये न्यू हॉलैंड वाला पता नहीं भाई घर पहुँचाएगा कि ये भी मेरी तरह ही करेगा। ये मेन रोड सही है भाई, 50 की स्पीड है यार, वो पकड़ नहीं पा रहा भाई न्यू हॉलैंड मुझे। यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है भाई, इनका रेस कम कर लेता हूँ भाई, वो भी कम कर लेगा, नहीं तो फिर भाई सीधा ही चला जाएगा भाई मक्के के खेत में, देखना पड़ेगा। आ रहा है ना पीछे, ओ काट दिया, ओ मोड़ो भाई क्या बच गया भाई, उसने ट्रैक्टर ही घुमा दिया यार, ये भाई स्कीड करता, ओ फिर ओ क्या रहा है भाई, वो इसको आ गया भाई। ड्राइवर भाई ऐसे, इसलिए ड्राइवर का मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता। अभी यहाँ थोड़ा भाई मैं स्लो कर लेता, नहीं तो वो भी उसी स्पीड में काटेगा मोड़, मैं तो भाई कंट्रोल कर लेगा, ड्राइवर नहीं करेगा ना ये। ओ भाई मेरा स्किड करके ट्रैक्टर, अभी यहाँ से थोड़ा बैक कर लूँ भाई, उस वो भी बैक करेगा, उससे पहले वो आ जाए निकलने, उसका भी स्किड करेगा, वो भी बैक करेगा फिर करेगा, देखते हैं आया नहीं भाई वो अभी तक, वो आ गया भाई। तो ये
पर वो भाई सही रहा, सही रहा भाई, आ गया पीछे भाई। ये बहुत अच्छा फ़ायदा यार भाई, दो काम जो एक साथ हो जाते हैं। तो ट्रैक्टर को तो हम बाहर ही रखेंगे क्योंकि ये भी भाई यार, ओ ओ उसका इंतजार कर रहे थे। ट्रैक्टर को बाहर भाई धो दूँ, क्योंकि अभी मशीन ही अपने पास धोने वाली, ये लगा दिया ट्रैक्टर यहाँ पे, धुल जाएगा भाई बारिश में। और अभी इंतज़ार करते हैं न्यू हॉलैंड, आ रहा होगा भाई साउंड तो आ रही। ओ आ गया न्यू हॉलैंड अपना भाई। ओ भाई धीरे, ओ धीरे हो तेरी की, ध्यान नाल भरावा, लै जा माड़ा अगे। ट्राली अड़ती पई भाई, ट्राली अड़ती पई, लो भाई ट्रॉली कर दी साइड में बस भाई। अच्छा ठीक है भाई, धन्यवाद तेरा। तो भाई इसको भी बाहर ही लगाते हैं अभी, ये भाई तो ये दोनों लगा दिए बाहर। और आजकल भाई अपना हुआ काम ख़त्म, कंबाइन वगैरह ट्रैक्टर वगैरह सभी निकाल दिए, आज तो कुछ कवर भी नहीं सकते भाई, बारिश लगी है। और कल से करेंगे भाई, अगर बारिश हट जाए तो भी मैं चलता हूँ घर में, खाना खुना बना दिया होगा मेरी बीवी ने, तो फ़ोन में लगी रहती है वो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं यार नई वीडियो लेके भाई, अगली वीडियो। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।